मनाली एक पॉपुलर हिल स्टेशन है भारत का, जहाँ ढेरों जगह है घूमने के लिए, चाहे सोलांग वैली हो, रोहतांग पास हो या फिर अटल टनल हो। मनाली गर्मियों के समय में क्वाइट पॉपुलर है घूमने के लिए, और मनाली के पास में ही है रोहतांग पास, जहाँ लगभग गर्मियों के समय में आपको अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल जाएगी। तो मनाली से रोहतांग पास आप कैसे सस्ते में जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जाने के, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मनाली से रोहतांग पास जाने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है HRTC की इलेक्ट्रिक बस से आप मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से रोहतांग पास जा सकते हैं। दूसरा है मनाली टूरिज्म के बुकिंग ऑफिस से बुक करके आप मनाली से रोहतांग पास जा सकते हैं। तीसरा है आप कार से टैक्सी यूनियन से टैक्सी बुक करके, शेयर सीट में भी बुक होती है और पूरी टैक्सी भी बुक होती है, उससे भी जा सकते हैं रोहतांग पास। चौथा है टेम्पो ट्रैवल चलती है, तो टेम्पो ट्रैवल बुक करके या उसमें शेयरिंग सीट का भी ऑप्शन होता है, तो उससे भी जा सकते हैं। और पांचवा तरीका है, यदि आपकी अपनी खुद की गाड़ी है तो गाड़ी का परमिट बनाकर आप 1 डे एडवांस में रोहतांग पास के लिए परमिट बनाना पड़ता है, और परमिट का कॉस्ट होता है 500 रुपये। तो अपनी गाड़ी हो तो परमिट बना के आप मनाली टू रोहतांग पास जा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, एक दिन में सिर्फ 500 गाड़ियों को अलाउड होता है रोहतांग पास जाने के लिए। अब पहले तरीके की बात करें, इस मनाली का ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है और यहाँ पर उसका एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, HRTC बस इलेक्ट्रिक बस 600 रुपये में पर पैसेंजर को, पैसेंजर के हिसाब से लेकर जाती है मनाली के बस स्टैंड से रोहतांग पास के लिए टूर के लिए। तो इनकी 3 से 4 इलेक्ट्रिक बसेस चलती है मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से। तो यहाँ पर आप एडवांस में टिकट बुक कर सकते हो, एक दिन बिफोर या सेम डे भी बुक कर सकते हो यदि बस में टिकट अवेलेबल हो तो। मनाली का ये हिमाचल गवर्नमेंट का बस स्टैंड मनाली मॉल रोड से बिल्कुल लगा ही हुआ है, तो जब भी आप मॉल रोड घूमने आएंगे तो यहाँ पर आप आकर इंक्वायरी में पता भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बस का टिकट बुक भी कर सकते हैं मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए। तो इसमें रोहतांग पास जाना और आना दोनों का किराया इंक्लूडेड रहता है। आइए मैं दिखाता हूँ, ये है हिमाचल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस का मतलब इसमें इंजन के साउंड बिल्कुल नहीं होता है, बैटरी से चलती है ये। 2x2 पुश बैक सीट है, वाइड विंडो है और साथ ही साथ इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा होता है, तो जर्क कम लगता है। और बड़े बड़े शीशे होने के कारण जब रोहतांग पास जाएंगे तो बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देंगे इस बस के बाहर देखने पर। तो ये पहला तरीका था जिससे आप मनाली से रोहतांग पास जा सकते हैं 600 रुपये खर्च करके, बहुत सस्ते में घूम सकते हैं। दूसरा तरीका है मनाली से रोहतांग पास घूमने का, कि आप मनाली के मॉल रोड में जाएंगे, वहाँ पर हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं बस की मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए, और सीट यदि अवेलेबल हो तो सेम डे भी बुक किया जा सकता है। हिमाचल टूरिज्म की भी 3 से 4 बसेस चलती है पर डे मनाली टू रोहतांग पास, अटल टनल और सोलांग वैली के लिए। तो हिमाचल टूरिज्म के बसेस से घूमने में एक ये फ़ायदा है कि आप एक ही दिन में 600 रुपये खर्च करके रोहतांग पास भी घूम लेंगे, साथ ही साथ अटल टनल भी देख लेंगे और सोलांग वैली भी देख लेंगे। ये भी बस अच्छी है और इसमें भी 2x2 पुश बैक सीट होती है। तो इस बस से आप रोहतांग पास, अटल टनल और सोलांग वैली घूमते हुए यदि सुबह 9 बजे निकल रहे हैं दिन को, तो शाम को 5 से 6 बजे के आसपास ये बस आपको वापस मनाली के बस अड्डे में ड्रॉप कर देगी। तीसरा जो तरीका है जिससे आप मनाली से रोहतांग पास जा सकते हैं घूमने के लिए, मनाली बस अड्डे के बगल में ही बना हुआ है टेम्पो ट्रैवल का ऑफिस। ये प्राइवेट टेम्पो ट्रैवल है जो 12-15 सीटर होती है, तो टेम्पो ट्रैवल कंप्लीट भी बुक कर सकते हैं और शेयरिंग सीट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है इसमें। तो शेयरिंग सीट यदि आप अकेले हैं तो अकेले भी टिकट बुक करके आप
मनाली टू रोहतांग पास जा सकते हैं, घूमकर सेम टेम्पो ट्रैवल से वापस आ सकते हैं। इसका किराया अलग अलग हो सकता है और इसका किराया थोड़ा महंगा होता है सरकारी बस से, तो इसका किराया 600 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है जिससे आप मनाली से रोहतांग पास आसानी से जा सकते हैं और घूमकर वापस आ सकते हैं। जो अगला तरीका है मनाली से रोहतांग पास जाने का, ये है मनाली का मॉल रोड। और मनाली के मॉल रोड में ही है टैक्सी यूनियन ऑपरेटर का ऑफिस, जहाँ पर बहुत सारी टैक्सियाँ अवेलेबल होती है। जो टैक्सी बुक करके मनाली टू रोहतांग पास घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस टैक्सी यूनियन में आकर वो पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं। और इसमें शेयरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यदि आप अकेले भी हो तो शेयरिंग सीट का भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर विजिट करके आप बुक करके आप मनाली टू रोहतांग पास घूमने जा सकते हैं आसानी से। तो इन पांच तरीकों से आप मनाली से रोहतांग पास जा सकते हैं और घूमकर वापस आ सकते हैं।